वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे. ठीक है, विल ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस वी हैव. लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक सर्वे मैंने किया था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने पूछा था कि मेरे को जो वीडियो है दैट आई रिक्वायर टू मेक इन इंग्लिश और मैं हिंदी में बनाऊँ या मिक्स करके बनाऊँ हिंदी और इंग्लिश, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. बट मेजॉरिटी जो लोगों की थी उसमें उन्होंने कहा कि मेरे को हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके चाहिए वीडियो. तो ठीक है, आज से मेरा सारे वीडियो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आएंगे. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5B में जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सॉल्व इक्वेशंस नंबर 1 to 20 गिवन बिलो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. अच्छा, तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का इन्होंने बताया है, इसमें एक मेथड यूज करना है जो है फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको फैक्टराइजेशन मेथड पता होना चाहिए. अगर मैं ये डायरेक्टली सॉल्व करता चला जाऊं और आपको फैक्टराइजेशन मेथड ना बताऊं या आपको ना पता हो तो शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है और आपको शायद समझने में प्रॉब्लम हो सकती है. कोई आपको बोले फैक्टराइजेशन मेथड के सॉल्व करो, आपको पता होगा तब भी शायद आप ना सॉल्व कर पाए बिकॉज आपको फैक्टराइजेशन के मेथड के बारे में नहीं पता पूरा. ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड बताना चाह रहा हूँ एक बार सो डेट आपको समझने में आता है. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड का थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ, थोड़ी डेफिनेशंस उसकी रहेंगी, समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और फिर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, दूसरी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो केवल इस बुक को ही फॉलो करते हुए बनाता हूँ. ठीक है, मैं आपको इस बुक के बाहर कुछ एग्जाम्पल भले ही दे दूँ बट मेरा फोकस हमेशा इस बुक के हर टॉपिक वाइज ही होता है. जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा जो इस बुक में दिया हुआ है. टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बुक पहले पता होनी चाहिए उस, बट ये बुक आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दुनिया भर से आप पढ़ के आए लेकिन आपको जब बुक पढ़ें तो आपको समझ में ना आए कि यार ये मेरी बुक में किधर लिखा है. सो इसलिए मेरा फोकस हमेशा इस बुक ही रहेगा. इसमें चाहे जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चंस हो, इवन एग्जांपल मैं वो सारा इस बुक का ही बताता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 16 है तो ये मैं 16 एग्जांपल भी आपको बताऊंगा. तो ये मेरा अप्रोच रहता है थ्रू आउट फॉर कंसाइज मैथमेटिक्स और कंसाइज फिजिक्स बुक दोनों के लिए. ठीक है, तो ये अप्रोच मेरा रहता है. आई मीन कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लाई टू दोस. ठीक है, तो जैसा मैंने बोला चलिए आपको पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देता हूँ. मैं सबसे पहले चैप्टर नेम लिख देते हैं. तो ये है चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, अब देखिए ये फैक्टराइजेशन आपका बुक में दिया हुआ है. ये देखिए हेडिंग है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. मैं आपको यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो इस बुक में लिखा हुआ है. ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स एंड जीरो प्रोडक्ट बिटवीन, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बुक समझने में बहुत आसानी होगी. ठीक है, तो पहले हेडिंग डालते हैं. हेडिंग है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी इक्वेशन होती है तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कंडीशंस या कुछ स्टेप्स होते हैं जो अपने को करने होते हैं. ठीक है, अब वो स्टेप्स क्या होते हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और दूसरा चीज़ जब मैं आपको एग्जाम्पल या वो क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा हूँ तब मैं वापस इसी पेज पे आऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो इक्वेशन मैंने सॉल्व करी वो किस स्टेप के अंडर मैंने करी है. ठीक है, तो पहला स्टेप अगर मैं आपको बताता हूँ तो पहला स्टेप है स्टेप 1 कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं, सपोज कहीं पे आपका दिखा हुआ है 2.5, जैसे आपको मैं बुक में ही दिखाता हूँ. बुक में देखिए क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको सॉल्व करने में आसानी होगी.
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या बोल रहा है, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2.5। अब ये जो कंडीशन आती है ये आपकी क्वालिफाई कर रही है स्टेप नंबर 1, जहाँ पे वो बता रहा है क्लियर ऑल फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट्स इफ नेसेसरी। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको पहले 2.5 को सॉल्व करना पड़ेगा और ये और सारे ब्रैकेट, ठीक है। तो पहला कंडीशन मैं लिखता हूँ या पहला स्टेप मैं लिखता हूँ कि क्लियर ऑल फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल आपका हो सकता है जैसे x प्लस 2 बाय x इज इक्वल टू 7.5, लाइक दैट। तो जहां कहीं भी इक्वेशन में ये फ्रैक्शन आ रहा है आपको पहले वो सॉल्व करना है। या कहीं पे मान लीजिए ऐसे लिखा है x प्लस 2 इंटू 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 1 बता रहा है, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बता रहा है, ट्रांसपोज ऑल द टर्म। ट्रांसपोज, मैं टर्म का मतलब भी बताता हूं अभी। ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट साइड, टू द लेफ्ट साइड टू गेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म। वो फॉर्म क्या रहेगा, आपको जो भी इक्वेशन है उसको एक फॉर्मेट में लाना है कैसे भी करके, और वो फॉर्मेट रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब अगर ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है कैसे भी करके आपको इस फॉर्मेट में लाना है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 रहेगा। इसका अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये है थर्ड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है कि आपका इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे बहुत सारे हैं। आप देखिए ये देख ली क्वेश्चन नंबर 10, 2x स्क्वायर माइनस 6, मेरे को लगता है ये सब ऐसे ही क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका केस नंबर 2 क्वालिफाई करेगा या स्टेप नंबर 2 क्वालिफाई करेगा, ठीक है। अच्छा अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट साइड मीन्स जो भी इक्वेशन बन रही है अब आपको उसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालना होता है ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये करके आपको दिखाता हूँ फैक्टराइज कैसे करते हैं। और चौथा और लास्ट स्टेप रहता है कि पुट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पुट ईच फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हैं ठीक है वो इक्वल होना चाहिए किसके, जीरो के, इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन यू नीड टू सॉल्व इट, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये चार स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं देन एक्चुअली यूजिंग अ फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इज वेरी इजी। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं वापस यहाँ पे आऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो कौन सा केस यूज किया था, ठीक है। चलो अगला पॉइंट आता है एक, इसमें होता है जीरो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये पॉइंट 4 से रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत, बट मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या बोलता है, जीरो प्रोडक्ट रूल ये क्या बोलता है, इसमें ये कहता है कि मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है x प्लस 3, ये मैं बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ, और है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कहता है कि जो भी प्रोडक्ट है इन इक्वेशन के टू एक्सप्रेशन, जैसे एक ये एक्सप्रेशन हो गया ये एक एक्सप्रेशन हो गया, वो हमेशा इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको कैसे सॉल्व करना होगा इस तरह की इक्वेशन को, तो विल कंसीडर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस थ्री। और अगर इसको सॉल्व करना रहेगा तो विल से x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू टू। सो बेसिकली ये कंडीशन अपने को याद करनी पड़ेगी एज ए पार्ट ऑफ ए जीरो प्रोडक्ट रूल। मैं याद करना तो नहीं, मैं बोलूँगा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज वेरी बेसिक थिंग बट यू शुड नो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ ए क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा आपको मैंने थ्योरी पार्ट कवर किया है और चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर वन बुक में दिया है एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर वन है, सॉल्व इक्वेशंस नंबर वन टू नंबर टू गिविंग बिलो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज यहां पे मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज है ये 5B ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन वन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो अब देखिए स्टेप वन क्या इसमें कहीं फैक्टर है? नहीं। ब्रैकेट है? नहीं। स्टेप नंबर वन क्वालिफाई नहीं किया। ट्रांसपोज ऑल द टर्म टू द लेफ्ट साइड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज या सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना था कि ये जो 10 है और ये जो 24 वैल्यू है इसको हमें कन्वर्ट करना है इन सच ए वे कि अगर हम प्लस माइनस ऐसा कुछ करते हैं तो वो एक वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल ये आ जाए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी वैल्यू आ जाए, सो दैट हमारी इस इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, वो क्या होगा वो देखिए, अगर मैं माइनस 10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2। अगर हम लोग माइनस 24 को लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 24 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 12 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 2 विच इज माइनस 24, तो ये अगेन हमारा क्वालिफाई कर जाएगा इस इक्वेशन को। तो इसको समझते हुए लेट्स ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन इन अनदर फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट क्या रहेगा, वी कैन राइट लाइक एक्स स्क्वायर देन माइनस 12 एक्स प्लस 2x, यहां से 2 आ गया, एंड देन माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए माइनस प्लस 12x और 2x मिला के हो जाएगा 10x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। नाउ अब इसमें देखिए हम लोग कॉमन लेना होता है, हम लोगों ने कॉमन लिया, ये हो जाएगा x माइनस 12, और यहाँ पे भी x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा इसमें और इसमें ही हम लोग बात करें तो, और इसमें कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 और एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ZPR क्या कहता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू व्हाट, 12। देयरफॉर x की दो वैल्यू रहेंगी, वन इज x इज इक्वल टू 12 एंड अनदर इज माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन।